बढ़िया सीधा गया। ओ भाई ये तो स्प्रिंग की तरह बाउंस बैक कर गया। ओ भाई धुआं देखो गाड़ी पे, भाई आग लग गई गाइस एकदम परफेक्ट डायरेक्शन में। ओ भाई गाड़ी कहाँ गई, गाड़ी कहाँ है? ओए और भाई थार, भाई थार ट्रक की उड़ा दिया यार। तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग? तो गाइस हम वापस आ चुके हैं GT5 के एक और वीडियो के साथ, तो अपनी न्यू मॉडल वर्सेस ओल्ड मॉडल की एक और वीडियो के साथ। और गाइस आपने ना यार ड्रैग रेसेस और चैलेंजेस तो बहुत देखे होंगे, लेकिन अभी तक हमने यार अपने इस चैनल पे बिल्ड क्वालिटी टेस्ट नहीं किया है, ना ही अपने नए मॉडल्स का, ना ही अपने पुराने मॉडल्स का। तो गाइस आज हम लोग करने यहाँ पे अपनी बिल्ड क्वालिटी टेस्ट करने आ रहे हैं और देखते हैं यार यहाँ पे कौन सी गाड़ियाँ भाई कितनी मजबूत निकालने वाली, पुरानी मजबूत निकलती या फिर नई वाई निकलती। तो गाइस जल्दी शुरू करते गाइस आज की इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ गाइस आज इस पे मतलब कि यहाँ पे होने क्या वाला है। तो गाइस सामने आप लोग को दीवार दिख रही होगी, लेकिन यहाँ समझ नहीं आएगा तो मुझे पास जाके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो गाइस यहाँ पे देख पा रहे हो, ये है भाई अपनी मजबूत कॉन्क्रीट की दीवार, पत्थर वत्थर सब आराम से दिख रहे होंगे आप लोगों को। ये खड़ा है भाई अपना ट्रक, और गाइस ये जो ट्रक है ना स्पेशली मंगवाया गया है भाई ठोकने के लिए, मतलब कि गाड़ियों को एकदम समझ रहे हो ना भाई क्या होने वाला है। तो गाइस इधर हम लोग करेंगे भाई गाड़ी को खड़ा, और इस ट्रक को भाई पीछे यहाँ पे लेके जाएंगे और स्पीड बढ़ा के भाई आगे लेके आएंगे, और फिर भाई भड़ाम से जो ठोकेंगे, और फिर देखते हैं गाइस कौन सी गाड़ियाँ सर्वाइव करने वाली हैं, कौन सी फटने वाली है, या फिर कौन सी धुआं दे जाएंगी। तो शुरू करते गाइस आज की इस वीडियो को। तो गाइस यहाँ पर जो पहली गाड़ी होने वाली गाइस ये होने वाली अपनी टाटा सफारी डाइकोर, और देखते हैं गाइस डाइकोर का यहाँ पे क्या हाल होता है। भाई जल्दी से बैठते हैं ट्रक में और लेके चलते गाइस इसको पीछे। अलर्ट गाइस यहाँ पे हमारा ट्रक है भाई वो एकदम रेडी हो चुका है, और गाइस कैमरा एंगल भाई एकदम सेट है, तो लेके चलते हैं गाइस देखते हैं गाइस क्या होने वाला है। स्पीड देख रहे हो कितनी ज़्यादा हो चुकी है इस ट्रक की, वो भाई इसको कंट्रोल करना कितना मुश्किल है। और ये दिया भाई टक्कर, और गाइस ट्रक देखो किधर आ गया भाई टंगे है तो, और भाई डाइकोर की हालत देखो क्या हो गई है। एक सेकंड गाइस में बैठ के देखते हैं क्या ये चलने लायक बचिया हुआ है। ट्रक तो भाई बहुत ऊपर चढ़ गया फिलहाल, भाई डाइकोर जो है वो तो भाई चलने की हालत में है यार, क्या बात है भाई। लेकिन गाइस गाड़ी की हालत आप लोग देख रहे हो भाई क्या ही हो चुकी है, लेकिन भाई जो बात है गाड़ी अपनी अभी भी चालू कंडीशन में है, तो भाई ये गाड़ी तो यार पास हो गई है। तो अब लेते हैं भाई इसके नए वाले मॉडल को भाई 2022 वाली सफारी को। तो गाइस यहाँ पे भाई टाटा सफारी भाई नई वाली ये एकदम रेडी है यहाँ पे, और हम भी भाई ट्रक के अंदर रेडी हैं। तो गाइस यहाँ पे भाई ट्रक रेडी है, और वो दूर खड़ी है भाई अपनी गाड़ी, तो लेके चलते हैं गाइस इसको। और भाई ये चला भाई अपना ट्रक यहाँ पे बहुत बढ़िया सीधा गया। ओ भाई ये तो स्प्रिंग की तरह बाउंस बैक कर गया, लेकिन सफारी की जो हालत है यार ये इस बार मुझे ठीक नहीं लग रही यार, ये वाली गाड़ी ना थोड़ी सी ज़्यादा टेढ़ी हो गई है। ओ भाई आगे से हालत देख रहे हो गाइस क्या, ओ इसकी तो भाई पूरी पूरी बॉडी का रंग उतर गया इधर से दीवार से चिपक के यार। इसमें बैठ के देखें क्या क्या हुआ है, मतलब बैठ के देखते हैं गाइस इसके अंदर। और गाइस गाड़ी में तो बैठ चुके हैं, लेकिन गाइस गाड़ी की टांगे देखो भैया क्या टांग हो गई है भाई, टांगे इसकी एकदम फैल चुकी हैं। और लेकिन भाई गाड़ी जो बात है भाई अभी भी चलने की हालत में, हेडलाइट वगैरह कुछ भी नहीं बचा, हॉर्न बज रहा है भाई हॉर्न बज रहा है। खैर जो बात है गाइस अपनी ये वाली गाड़ी भी ना पास हो गई, मतलब कि सफाई तो अपनी दोनों की दोनों पास हो गई हैं। तो गाइस अभी बारी आती है यहाँ पे हमारी स्कॉर्पियो की, और देख सकते हो भाई अपनी स्कॉर्पियो यहाँ पे खड़ी हुई है, और गाइस वहाँ पे दूर खड़ा है गाइस अपना ट्रक। तो गाइस चलते हैं ट्रक पे, और ट्रक पे हम लोग आ गए हैं, और लेट्स गो गाइस लेट्स गो, देखते हैं क्या होता है। स्पीड अच्छी खासी बढ़ गई है ट्रक की, और ट्रक थोड़ा सा बैलेंस करना इसको थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन एकदम परफेक्ट शॉट। और भाई ट्रक उड़ गया, और गाइस गाड़ी जो है पलट चुकी है। पहले मैं ना इस गाड़ी को सीधा ही कर लेता हूँ इस ट्रक से, नहीं तो भाई बैठने में दिक्कत होगी भाई, उल्टा कैसे बैठेंगे। सीधे हो जा भाई, सीधी हो जा भाई, हो गई सीधी भाई, बहुत भारी भरकम ट्रक है यार। मतलब गाड़ी को तो ऐसे उड़ा रहा जैसे पता नहीं कौन सा खिलौना हो ये। ओ यार पीछे से हालत देखो गाड़ी की कैसी हो गई है, यह तो पीछे दब गई है भाई, इसकी तो भाई छत की ऐसी की तैसी हो गई है भाई, चल नहीं पा रही गाइस ये गाड़ी, चल नहीं पा रही भाई, ये गाड़ी बोल गई भाई, भाई ये गाड़ी जो है बोल गई है। आप लोग देख पा रहे हो क्या हालत है इसकी, यार इसके टायर वायर टूट चुके हैं, और ये देखो भाई क्या हालत हो गई है, ये तो पूरी गाड़ी ख़राब हो गई भाई, देख लो मतलब ऐसे कैसे गाड़ी चलेगी। तो भाई अपनी यार पुरानी वाली स्कॉर्पियो तो यार फेल हो गई, तो इसको हटाते हैं और गाइस लेते हैं अपनी नई वाली स्कॉर्पियो को। गाइस अब बारी आती है यहाँ हमारी बिग डैडी SUV की, यानी कि अपनी स्कॉर्पियो N की, और गाइस हेडलाइट वगैरह सब ऑन है इसकी, स्टार्ट खड़ी, और देखते हैं भाई क्या होने वाला है। तो शुरू करते हैं गाइस, चलते हैं भाई ट्रक पर सीधा, और ट्रक पर हम लोग आ गए, और ये हैंड ब्रेक हटाते हैं, और ये हम चले ट्रक लेके अपना भारी भरकम ट्रक, चल चल भाई तो बहुत सही जा रहा है। ओ भाई धुआं देखो गाड़ी पे, भाई आग लग गई गाइस, आग लग गई भाई, बिग डैडी स्वाहा हो गई यार यहाँ तो।
लेकिन भाई जो बात है, गाड़ी जो है मतलब कि इतनी ज़्यादा बेंड वेंड नहीं हुई है, लेकिन अंदर तो भाई अंदर से तो पता नहीं है, लेकिन बैठ भाई बैठ रहा है माइकल। एक सेकंड गाइस, माइकल अंदर बैठ रहा है, यानी गाड़ी गाड़ी चलेगी क्या? नहीं भाई, पार्किंग पे है, गाड़ी तो स्टार्ट नहीं हो रही गाइस। और कैसे ही स्टार्ट होगी, कैसे ही स्टार्ट होगी भाई? हालत देख रहे हो गाड़ी क्या हो भाई, आग और धुआं निकल आया है, अब थोड़ी ना स्टार्ट होगी ये। तो भाई अपने दोनों ही स्कॉर्पियो यहाँ पे यार मतलब पास नहीं हो पाई यार, एक में आग लग गई और एक तो भाई टूट ही गई पूरी। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे भाई टाटा की गाड़ी को, और आपको पता होगा भाई टाटा की गाड़ियाँ काफ़ी मजबूत होती है, लेकिन GTA 5 में गाइस यहाँ पे टाटा की गाड़ी कैसा परफॉर्म करने वाली है आज पता लगाते हैं भाई। चलते हैं भाई इसे ट्रक पे, ट्रक रेडी, और ये चले बिना टाइम को बर्बाद किए, क्योंकि टाइम गाइस बहुत ही ज़रूरी है, हमें सीधा सीधा रिजल्ट जानना है। और यहाँ पे टक्कर होने वाली है भाई। ओ यार, यहाँ पे टाटा नेक्सॉन में भी आग लग गई यार, मतलब स्कॉर्पियो में भी लग गई, टाटा नेक्सॉन में भी लग गई, और ये नई वाली नेक्सॉन है, पहले इस बार मैंने नई गाड़ी ली है, और क्या ही खतरनाक आग लगी है यार, मतलब क्या ही खतरनाक। क्या ये पार्क मतलब स्टार्ट हुई कि नहीं स्टार्ट हो गई ये? नहीं गाइस, नहीं स्टार्ट हो रही भाई, नहीं स्टार्ट हो रही भाई, और होनी भी। अरे बाप रे, इसमें तो भाई नीचे से डीजल लीक कर रहा है गाइस, नीचे से डीजल लीक कर रहा है। आपको थोड़ा सा पास से जूम करके दिखाता हूँ मैं आप लोग को, तो भाई यहाँ पे देखो यार, ये देखो गैस, यहाँ पे तो भाई पूरा पूरा फ्यूल लीक कर रहा है। अगर मैं इस पर गोली मारूंगा ना भाई, आग लग जानी, मैं बता रहा हूँ आग लग जानी, मेरा वो ट्रक ना दग जाए, बस इसी बात की दिक्कत है। ये देखो गैस, ये मैंने मारी गोली भाई, आग लग गई यार, आग लग गई भाई। ट्रक लेके भागो पहले अपना यार, मैं ट्रक लेके भागूँ अपना भाई, गाड़ी तो फटेगी यार, वो पक्का फटेगी, वो मेरी गलती से फटेगी। ओ भाई ट्रक तो बच गया यार, ट्रक तो बच गया भैया, लेकिन गाड़ी में पूरी आग लग गई है। तो मैं इसको ना साइड में करता हूँ भाई, इसी से गाइस, इसी के इतना बड़ा जो हाथ दिया ना इसको भाई, इसका इस्तेमाल करना चाहिए और गाड़ी को साइड में कर देना। वाह वाह वाह, क्या ट्रक है भाई। तो भाई बढ़ते हैं अगली गाड़ी की तरफ। तो गाइस अब पारी आती है यहाँ अपनी पुरानी भाई टाटा नेक्सॉन की, और देखते हैं गाइस जो पुरानी नेक्सॉन है भाई ये यहाँ पे कैसा परफॉर्म करने वाली है। ऑल एट गाइस, बैठते हैं गाइस ट्रक में और देखते हैं गाइस। भाई नई भाई तो फट गई थी यार, आपको पता है, फटी नहीं थी मतलब फाड़ दी गई थी, लेकिन धुआं दे गई थी जो बात है। तो अभी बढ़ते हैं गाइस नई पुरानी 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 वाली और पुरानी। ओ भाई पुरानी वाली तो भाई सिकुड़ गई एकदम से यार। एक सेकंड, मुझे इसको सीधा करना पड़ेगा, पहले इसको मैं सीधा करता हूँ यहाँ पे, इसको करना पड़ेगा भैया सीधा। तो भाई हो जी सीधा, चल पहले साइड में लेके चलते हैं इसको, आ जा साइड में। सीधी हुई कि नहीं हुई भाई? सीधी हो जा भाई, बेशरम, सीधी क्यों नहीं हो रही? हाँ हो गई भाई, थोड़ी तो शर्म आई भाई गाड़ी को, चलो इसी बहाने। तो बैठते हैं भाई, देखते हैं क्या मामला क्या है इसका। ओ भाई तो पूरी टेढ़ी हो चुकी है भाई, इसकी तो नाक वाक भाई इतनी पतली हो गई गाड़ी, इतनी पतली मतलब कि पहले दो लोग ऐसे ऐसे करके बैठ सकते थे, अब एक ही बैठ पाएगा इसमें, अब इसमें एक ही बैठ पाएगा। और देखते हैं भाई, चल रही है गाइस, रिवर्स भी लग रहा है, फर्स्ट गियर भी लग रहा है भाई, गाड़ी एकदम मस्त चल रही है भाई। टायर देख रहे हो, ऑटो जैसे हो गए भाई, ऑटो के भी टायर ऐसे नहीं होते होंगे फिलहाल। तो भाई अपनी जो ये वाली गाड़ी यार, इधर ये तो पास हो गई है, तो मैं इसको ना यहाँ पे साइड में पार्क कर, भाई बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही है भाई, चल भी अजीब रही है, सस्पेंशन सब टूट चुके हैं इसके, तो इसको मैं यहीं पार्क कर देता हूँ। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर की, जो कि है 2014 वाला मॉडल अपना, आप लोग देख सकते हो भाई पुराना वाला मॉडल अपना फॉर्च्यूनर का। और देखते हैं गाइस अपना ये वाला मॉडल है भाई, पहले देखते हैं ये सरवाइव करेगा कि नहीं, फिर चलेंगे लेजेंडर की तरफ। भाई लेजेंडर को तो देखना ही पड़ेगा ना। तो ये चले भाई हमारे ट्रक साहब, देखते हैं गाइस ट्रक यहाँ पे क्या करने वाला है। और ट्रक बहुत ही बढ़िया जा रहा है, एकदम परफेक्ट डायरेक्शन में। ओ भाई गाड़ी कहाँ गई, गाड़ी कहाँ है, ओए गाड़ी कहाँ गई भैया, गाड़ी कहाँ गई, ये तो अलग ही हो गया भाई, दीवार खा गई, कहाँ उड़ गई गाड़ी, कुछ समझ नहीं आ रहा यार, इसको ढूंढना पड़ेगा भाई, गाड़ी गई का। एक सेकंड पीछे देखता हूँ दीवार के, मतलब तो उछल के ना पीछे आई गिरी। अरे तेरा हाथ भी यार क्या ही है। ओ हाँ यहाँ पड़ी है, मैंने बोला था ना, मैं समझ गया था भाई ये गाड़ी इधर ही आएगी। देख रहा था भाई कितना चला के यहाँ पे, इस मामले में गाड़ी कहाँ उड़ के जाएगी। और यार ये दे गई है धुआं, और गाड़ी की हालत आप लोग देख पा रहे हो, जिधर से इम्पैक्ट हुआ है उधर से तो पूरी की पूरी क्रश हो गई है। लेकिन बैठ के देखता हूँ मैं कि बैठने के बाद क्या ये स्टार्ट, भाई स्टार्ट हो गई, पहला गियर लग चुका है गाड़ी का, और चल भी रही है। वैसे भाई एक्सपेक्ट मत करना कि ये गाड़ी मतलब सही से चलेगी, लेकिन भाई जो बात है गाड़ी चलनी चाहिए थी, और ये टेस्ट में हो चुकी है गैस पास, धुआं भले ही दे रही हो लेकिन भाई गाड़ी स्टार्ट हो गई, तो गैस ये पास मानी जाएगी। तो मैं इसको ना जल्दी से ले चल के ना उधर यहाँ पे साइड में पार्क कर देता हूँ, और लेते हैं गैस अपने लेजेंडर को अब। तो गैस जब बारी आती है यहाँ पे अपनी नई वाली फॉर्च्यूनर की, यानी कि फॉर्च्यूनर लेजेंडर की, और गैस लेजेंडर की यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है मतलब कि बिल्ड क्वालिटी कैसी निकलने वाली है। तो आ चुके हैं गैस ट्रक पे और लेके चलते हैं गैस ट्रक को, और ये चले भाई ट्रक लेके लेजेंडर को उड़ाने। ओ भाई टेढ़ा मेढ़ा क्यों जा रहा है, ओ भाई ठोक दिया भाई, और क्या हालत है गैस, देखते हैं गैस चल के। मुझे लग रहा है गैस ट्रक थोड़ा सा चढ़ा हुआ है, अरे भाई चढ़ा हुआ है यार ये तो,
खैर बैठने के बाद पता लगेगा भाई गाड़ी अपनी स्टार्ट है कि नहीं। अरे यार इसको पहले पीछे हटाना पड़ेगा यार, नहीं बैठने वाले भाई। वैसे इसने दबा रखा है भाई पूरा पूरा गाड़ी को। पीछे ले ले भैया थोड़ा सा। हाँ अब ठीक है भाई, अब चलते हैं गाइस, देखते हैं क्या हालत है गाड़ी की। वो भाई बैठेगा भी नहीं बैठेगा भाई, धुआं देख लो कितना ज़्यादा निकल रहा है इसमें। वो बैठ तो रहा है, बैठ तो रहा है, बैठ बैठ ना यार, मैं कितना टाइम की बर्बाद कर रहा है भाई। पार्किंग पे गाड़ी स्टार्ट नहीं भाई, नहीं होने वाली, नहीं होने वाली रे। गई गड्डी गाय, लेजेंडर सरवाइव नहीं कर पाई, पुरानी वाली फॉर्चुनर करके, लेकिन लेजेंडर नहीं कर पाई यार, धुआं दे गई भाई पूरा पूरा। तो गैस लेजेंडर भी हो चुकी है भाई यहाँ पे फेल। तो गैस अब बारी आती है यहाँ पे महिंद्रा थार की, और ये है गैस अपनी पुरानी वाली थार, यानी कि 2010 वाली थार, अपनी CRDI वाली थार। और देखते हैं गैस क्या होता है भाई इसका। तो आगे गैस ट्रक में, और ये चला भाई अपना ट्रक, और थार का क्या होगा देखते हैं भाई क्या होता है थार का। और भाई थार, भाई थार ने ट्रक की उड़ा दिया यार, यहाँ तो उल्टा सीन हो गया भाई। थार तो चपटी हो गई भाई पूरी आगे से, इतनी तो पतली नहीं हुआ करती थी थार ये। भाई 4 सीटर भाई थार, भाई 2 सीटर क्यों लग रही है ये भाई, सीधी हो जल्दी से। अरे बाप रे क्या हालत हुई है यार इसकी, बहुत गंदी हालत है यार, बहुत गंदी हालत है। लेकिन जो बात है धुआं नहीं निकला, मतलब गाड़ी बच गई है अपनी, वो स्टार्ट भी हो गई, अरे चल भी रही है यार। यार ये तो थार तो फंस गई। ओ भाई ये क्या हो रहा है इसको, भाई झटके लग रहे हैं भाई, सस्पेंशन टूट चुका है, और गाड़ी कुछ ज़्यादा ही नीचे आने की वजह से भाई इसका जो बम्पर है ना आगे कुछ ज़्यादा ही लड़ रहा है गाइस, देख रहे हो नीचे से भाई इसका आगे वाला टायर वायर टूट गया। अरे यार ये ऐसे चलेगी अभी लंगड़ा लंगड़ा के। लेकिन जो बात है गाइस मेन बात पे आते हैं भाई, गाड़ी अपनी स्टार्ट है, चल रही है, रगड़ रगड़ के चल रही है, लेकिन चल रही, मतलब इतनी बुरी नहीं चल रही। मैं अगर इसको, अगर मैं इसको घुमा के देखूँ थोड़ा सा चला के, तो यार मेरे हिसाब से भाई ये अच्छी खासी स्पीड पकड़ रही है, और ये रिपेयर की शॉप तक जा सकती है ऐसे कूदते कूदते। तो मैं इसको बोलूँगा भाई ये तो पास में, भाई अपनी स्कॉर्पियो तो बिल्कुल भी नहीं चल पाई थी, और अगर उल्टे की बात करें तो शायद उल्टी तो बिल्कुल ठीक चल रही है यार। भाई ये देख रहे हो भाई कैसे चल रही है यार ये गाड़ी, लेकिन स्पीड इसकी अच्छी खासी बढ़ रही है भाई, देख रहे हो। बस जहाँ पे कुछ ऊपर नीचे आता है भाई इसका उछलना शुरू हो जाता है यार। खैर कोई नहीं गाइस, इसको यहाँ पे पार्क कर देते हैं हम लोग, क्योंकि चल रही है भाई थोड़ी बहुत, मतलब जो भी चल रही है चल रही है। तो अब लेते गए नई वाली थार को। तो गाइस जब बारी आती है यहाँ पे हमारी महिंद्रा थार की, और देखते हैं गाइस भाई महिंद्रा थार है भाई यहाँ पे, ये कैसा परफॉर्म करने वाली है, नई वाली है, तो चलते हैं भाई। और ये चला भाई अपना ट्रक, और तो गाइस थार का क्या हाल होने वाला है यहाँ पे, अच्छी खासी स्पीड पकड़ ली भाई ट्रक ने तो। और बाम भाई ये तो पार गई गाइस, पार गई उछल के, मैंने देखी इस बार। और ऐसे ही गाइस अपनी फॉर्चुनर भी गई होगी, हम लोग तब देख नहीं पाए, लेकिन इस बार मैंने अच्छी आग की आवाज़ आ रही है, मुझे लपटों की आवाज़ आ रही है। अरे बाप रे भाई ये तो पूरी पूरी पलट चुकी है, और आग भी लग चुकी है, और थोड़ा सा शायद पेट्रोल निकल के नीचे गिरा है क्या, क्योंकि ज़मीन पे भी आग लग चुकी है। इसको सीधा करना पड़ेगा, इसको मैं जल्दी सीधा करता हूँ। तो भाई थार तो सीधी कर दी, अब थार में बैठ के देखते हैं गाइस क्या ये थार अब पहाड़ चलने लायक बची है कि ये रोड पे भी चलने लायक नहीं बची, स्टार्ट होगी कि नहीं पहले तो ये देखना है। अगर स्टार्ट नहीं हुई तो फिर तो किस्सा ही ख़त्म है। नहीं भाई नहीं हो रही गाइस, नहीं स्टार्ट हो रही है। तो गाइस अपनी ये वाली थार यार, नई वाली थार तो भाई हो गई है फेल। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे हमारी महिंद्रा बुलेरो की, और ये है गाइस अपनी पुरानी वाली बुलेरो, और देखते हैं गाइस पुरानी बुलेरो यहाँ पे कैसा परफॉर्म करती है। तो देखते हैं भाई क्या ये बचेगी या ये फटेगी, पहले इस बुलेरो को देखें फिर हम देखेंगे बुलेरो न्यू यहाँ पे क्या करती है। और हम लोग आ चुके हैं डेस्टिनेशन पे, पहुँच चुके हैं, और ये मारा फटका। ओ गाड़ी कहाँ गई भाई, गाड़ी कहाँ गई, गाड़ी कहाँ गई, इस बार तो मुझे उछलती दिखी और पता नहीं कहाँ चली गई, ये गाड़ी गई कहाँ भाई, इधर है क्या, अरे बाप रे इधर आ गई यार। इसकी तो भाई हालत बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है, इसको मैं सीधा करता हूँ इसको, इसको थोड़ा सा ऐसे हाथ मारते हैं। अरे यार ये ट्रक भी ना इतना अजीब चलता है यार, अरे क्या कर रहा है यार ये ट्रक, इसको सीधा करना है भाई। अरे तो उसके और जान भाई, फटका पड़ गया एक और। वैसे मुझे पता था भाई ये गाड़ी स्टार्ट होने नहीं वाली, लेकिन अब जो चांसेस होंगे ना इसके स्टार्ट होने के यार वो भी ख़त्म हो चुके हैं। और भाई ट्रक कहाँ, भाई कहाँ अटक रहा है, तू धक्का लगाना उसको, सीधी हो जल्दी यार भाई, सीधी होगी सीधी होगी। वैसे जब भी धुआं निकला ना गाड़ी से मैंने देखा है भाई स्टार्ट हुई नहीं है, वैसे मुझे लग नहीं रहा कि ये भी स्टार्ट होने वाली है किसी सिचुएशन में। और बैठ चुके हैं, और माइकल चाबी घुमाए पड़े हैं घुमाए पड़े हैं, लेकिन नहीं स्टार्ट हो रही गाइस। तो भाई अपनी ये वाली बुलेरो भी यार फेल हो चुकी है, अब लेते गए नियो को, क्योंकि नियो में ना थोड़ा सा सेफ्टी का, इसमें तो सेफ्टी का कुछ था ही नहीं भाई।
तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे हमारी बुलेरो नियो की, और देखते हैं यार जो अपनी बुलेरो नियो है भाई यहाँ पे क्या कमाल करेगी, क्या ये बचेगी या फिर फटेगी। तो लेट्स सी गाइस क्या होता है। तो ये हम चले नियो की ठुकाई करने यहाँ पे, और ये ओ भाई एकदम परफेक्ट पड़ा है, और ये ट्रक मेरा अटक गया है, नीचे उतर ले बाबा। अरे बाप रे गाइस, नियो तो काफ़ी अच्छा सर्वाइव करी है यार। गाइस नियो सच बता रहा हूँ भाई काफ़ी अच्छा, भी वैसे पास जाके पता लगेगा क्या हाल है। वैसे मुझे लग रहा है भाई इस गाड़ी सरवाइव कर गई है अच्छी खासी है। वो भाई पतली हो गई है यार, बहुत पतली हो गई है गैस। आगे से आप लोग को मैं दिखाऊं तो ये देखो भाई कितनी पतली हो गई आगे से। लेकिन भाई गाड़ी अपनी स्टार्ट हो गई है, फर्स्ट गियर लगा और एकदम मस्त चल रही है। सस्पेंशन टेस्ट किए जाए थोड़ा सा ऑफ रोड पर ले जाके, भाई सस्पेंशन भी सही है और गाड़ी से कड़कड़ कड़कड़ की आवाज़ आ रही है, ये देख रहे हो कैसी आवाज़ आ रही है। ये भाई गाड़ी अपनी बच गई जो बात है, तो इसको मैं इधर पार्क कर दूँ, मतलब ये वाली गाड़ी अपनी पास हो गई है। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी सुजुकी की ब्रेजा की, और ये है भाई अपनी नई वाली ब्रेजा, और इसके बाद हम लोग लेंगे भाई अपनी पुरानी ब्रेजा को। तो पहले नई वाली देखते हैं गाइस कैसी परफॉर्म करने वाली है। तो ये हम चले ओके, ट्रक लो चुका है अपना लॉन्च, और अपनी ब्रेजा को ठोकने जा रहा है बहुत तेज़ी से, और ये ठोका भाई ब्रेजा को। तो भाई ब्रेजा बच गई है गाइस, ब्रेजा टेढ़ी ज़रूर हो गई लेकिन मुझे लग रहा है गाइस अपनी ब्रेजा जो है गाइस वो बच गई है। ओ भाई बच गई लग रहा है। अरे यार ये तो दीवार में लड़ जाता है यार, कैसा ट्रक है ये, सीधी हो जा भाई, कितनी तेज धक्का मारूं भाई, पलटे जा रही है। हाँ अब ही सीधी, अब इसने करी कुछ काम की बात। तो देखने गए यहाँ पे क्या हालत है भाई, काफ़ी सही लग रही है। ये सनरूफ खुली थी कि या फिर टूट गई है, सनरूफ एक्सेस करके देखें अगर। भाई सनरूफ सही है भाई गाड़ी की जो बात है, भाई सनरूफ एकदम टेढ़ी चल रही है लेकिन चल रही है भाई। दरवाज़ा बंद करते गेट कैसे फूट गया इसका, ये क्या सीन है। तो यहाँ पे गए जो अपनी गाड़ी है भाई, ये वाली ब्रेजा तो सरवाइव कर गई, तो अब पुरानी ब्रेजा लेते हैं और देखते हैं कैसे क्या होता है उसका। तो गए आ चुके हम लोग अपनी पुरानी वाली ब्रेजा के साथ, और देखते हैं गए पुरानी ब्रेजा का क्या होगा यार। तो लेट्स गो गए देखते हैं क्या होता है। और ये चले भैया ट्रक लेके अपना, और ये ट्रक को ना संभालना है, इसको सीधा चलाना इतना मुश्किल है भाई, इतना मुश्किल, कैसे लहर मार मार के। ओ भाई ये वाली ब्रेजा भी सरवाइव कर गई क्या यार, जीटी में सब उल्टा ही होता है क्या, मतलब कि जो गाड़ी नहीं करनी थी वो कर रही है, जो करनी थी वो नहीं कर रही। फिलहाल देखते हैं क्या होता है। वैसे भाई ओ भाई क्या हालत हो गई है इसके, लेकिन इंजन लगता है चालू है भाई क्योंकि इंजन से कोई भी धुआं नहीं निकला है। ओके बैठ गए, स्टार्ट होगी क्या, एक बार में हो गई भाई, एक बार में हो गई, और देख रहे हो भाई क्या हालत हो गई है गाड़ी की, पीछे तो पूरी पूरी टेढ़ी हो गई है। लेकिन भाई जो बात है ये अपनी ये वाली गाड़ी भी हो गई है, मतलब कि ब्रेजा अपनी दोनों की दोनों पास हो गई भाई, सस्पेंशन ख़राब हो चुके हैं गाइस, टायर ही बाहर आ गया भाई सस्पेंशन, क्या ही बात कर रहा हूँ। और अब देखते हैं गाइस अपनी आज के चैलेंज में कौन कौन सी गाड़ियाँ फेल हुई। तो भाई इधर जितनी भी गाड़ियाँ भाई ये सारी तो पास है भाई, सब चलती आई हैं यार, धुआं भले ही निकल गया हो, लेकिन गाइस जो गाड़ियाँ यहाँ पे फेल हुई हैं भाई वो है अपनी ये वाली गाड़ियाँ भाई। एक तो भाई फटी गई थी भाई, गोली मार दी थी ना हमने, तो ये आ गई भाई अपनी बाकी गाड़ी अपनी भाई स्कॉर्पियो एंड बिग डैडी भाई ये सारी फट गई। फिलहाल गाइस ये जो रिजल्ट्स है गाइस जीटीए के हैं, रियल लाइफ में ऐसे रिजल्ट्स नहीं होने वाले हैं, आपको ही पता होगा मुझे ही पता है। तो गाइस उम्मीद है आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई भाई चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।